इंद्र सोलंकी, जिस धरा पर प्रताप लड़े उस मिट्टी को प्रणाम, गूंज उठी मेवाड़ की धरती जब ऑस्ट्रेलिया ने किया सेवा की जज्बे को सलाम। जी हां, उदयपुर में आयोजित खास कार्यक्रम मेवाड़ गौरव सम्मान समारोह में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। जब मेवाड़ की गौरवशाली परंपराओं और संस्कारों की रवायतों को अपने हुनर और पुरुषार्थ से देश दुनिया के आभा मंडल पर स्थापित करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। लेक सिटी की गुलाबी फिजा में हुए इस आयोजन में जुटे अतिथियों ने न पार्टी का भेद देखा, न ही विचारों में अंतर। सभी ने फर्स्ट इंडिया के इनिशिएटिव की खुले दिल से तारीफ की। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और अपनी वाणी को विराम दूं, उससे पहले ये दो लाइनें। संत को सम्मानित करने की ये गाथा मंद नहीं होगी, संत को सम्मानित करने की ये गाथा मंद नहीं होगी, ये एक लिंग की ज्वाला है, मुट्ठी में बंद नहीं होगी। जय हिंद, जय मेवाड़। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वही चैनल हेड जगदीश चंद्र ने वीर प्रसूता मेवाड़ की धरा को नमन किया और कहा कि फर्स्ट इंडिया ऐसी तमाम विभूतियों का सम्मान करता आ रहा है जिन्होंने अपने कर्म योग के बल पर देश दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन किया है। समारोह की भावना ये है कि फर्स्ट इंडिया चैनल जनता से जुड़े, आपसे जुड़े, आपके अच्छे काम को, चाहे वो कोरोना कार्यकाल में किए गए हों, कोरोना काल के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में आपका योगदान हो, तो उनको एक रिकग्निशन दें और आपकी पहचान मेवाड़ के बाहर भी जाए। करोड़ों लोग न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं, आपकी पहचान वहाँ तक हम पहुँचाएंगे और आप और सरकार के बीच भी पुल का काम करेंगे। वही मेवाड़ सम्मान समारोह को नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फर्स्ट इंडिया ने जिस तरह प्रतिभाओं को सम्मानित करने की पहल की है वो वाकई तारीफ के काबिल है। साथ ही कटारिया ने आने वाले समय में ऐसे सार्वजनिक सम्मान समारोह आयोजित करने का भी आह्वान किया। फर्स्ट इंडिया के द्वारा आयोजित इस मेवाड़ सम्मान समारोह में मंच पर जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, श्रेय तो सबसे पहले जगदीश जी को ही जाता है।
कि आपने इसकी शुरुआत की, एक अच्छी शुरुआत है, ठीक दिशा में कदम बढ़ा है। इसके लिए मैं फर्स्ट इंडिया का भी और जगदीश चंद्र जी कातिल साहब आपका और आपके सारे सहयोगी साथियों का, मैं अपने इन सब लोगों की उपस्थिति में आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। वास्तव में इस धरती की अपनी एक महानता है और आपने उसका मेवाड़ गौरव का नाम दिया। मेरी कातिल साहब आपसे प्रार्थना है कि इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाकर भव्य कार्यक्रम के रूप में करें और सार्वजनिक स्थान पर करें और सभी प्रकार की प्रतिभाओं को निखारने का, जो अच्छा बच्चा, टैलेंट बच्चा है, अच्छा खिलाड़ी है, उसमें से निकालो, अच्छा डॉक्टर उसमें से निकालो, अच्छा व्यापारी निकालो, अच्छा इंडस्ट्रेट निकालो, अच्छा किसान निकालो, सब प्रकार के लोगों को अगर निखार करके हर साल अगर ये कार्यक्रम आयोजित होगा तो मैं सोचता हूँ अच्छा काम करने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा का रास्ता बनेगा। आज आपने सब प्रकार के लोगों को छांटा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप घोषणा तो आप ही करेंगे, हम तो आपका सहयोग करेंगे। और मेवाड़ में, मेवाड़ सहयोग की दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि महाराणा प्रताप को अगर भामाशाह ने सारी संपत्ति दान कर दी ना, तो उसका कारण महाराणा प्रताप का जीवन था। मैं सोचता हूँ यह जो जिस प्रकार की शौर्य की भूमि है, उस भूमि में आपके इस चैनल के द्वारा मैं चाहता हूँ कि उन इतिहास के पन्नों को भी आगे बढ़ाया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को लगे कि व्यक्ति केवल और केवल अपने हाड़ मांस से नहीं पहचाना जाता है, व्यक्ति उसके समर्पण और जीवन से पहचाना जाता है, उसके जीवन के त्याग से पहचाना जाता है, ये वो धरती है। मैं रवि जी आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे बहुत ज़बरदस्ती बुक किया, बार बार, कभी हाँ कभी ना। मैंने कहा मैं कल ही तो जयपुर गया हूँ, वापस कैसे लौटूंगा, लेकिन फिर भी आपके ऐसे जो समर्पित कार्यकर्ता है, जो व्यवहार कुशल है, समाज के सब लोगों से संबंध है, जिस प्रकार के लोग छांटे हैं इन्होंने, मैं सोचता हूँ ये भी इन्होंने अपनी दिमाग लगाया होगा कि कौन कौन किस किस क्षेत्र में क्या क्या काम करते हैं। तो मैं सोचता हूँ वास्तव में इन्होंने प्रयत्न किया, इस प्रयत्न के लिए एक अच्छी टीम बना करके, अच्छे लोगों को उसे बुलाकर, एक अच्छे छांट करके, सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार के लोगों का सम्मान अगर हो तो बाकी लोगों को भी सीखने का मौका मिले कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे में भी प्रभु ने यह क्षमता दी है, हम भी इस योग्य बन सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ और सकारात्मक सोच आगे बढ़ेगा। गुलाबचंद कटारिया के सुझाव पर चैनल हेड जगदीश चंद्र ने भी तुरंत ऐलान करते हुए कहा कि अब से हर साल मेवाड़ में प्रतिभाओं और समाज सेवियों का सम्मान किया जाएगा। वही जगदीश चंद्र ने गुलाबचंद कटारिया के भाषण की भी जमकर तारीफ की। कटारिया साहब का इस बात के लिए साधुवाद करना चाहूँगा कि क्या शानदार भाषण उन्होंने दिया है, मज़ा आ गया। उनकी आवाज़ की पकड़, आवाज़ की ताकत, आवाज़ का वाइब्रेशन ऐसा था कि मुझे लगा कि 35 साल के कटारिया साहब बोल रहे हैं। ये एक हेल्थ का विषय है, डायग्नोस का विषय है कि उम्र का आवाज़ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उनकी आवाज़ की ताकत आज भी वही है जो पहले थी। बहुत मज़ा आया उनका भाषण सुन के, जो है टू द पॉइंट, भावना से जुड़ा हुआ और आप में उत्साह का संचार करने वाला। अगर ये चुनावी सभा होती तो 95% लोग इनको वोट देते। बहुत अच्छा सुझाव सर आपने दिया है, हम इस सुझाव को स्वीकार करते हैं, इसका आदर करते हैं और अगले वर्ष से तारीख महीना तय कर लेंगे। उदयपुर के मेवाड़ और सम्मान से जुड़ी कोई पर्टिकुलर तारीख पे एक भव्य समारोह सार्वजनिक स्थान पे आयोजित करेंगे सर, जिसके लिए प्रॉपर चयन होगा। जैसे आज रवि की तारीफ की, रघु की अगुवाई में ही एक टीम बनेगी, आइडेंटिफिकेशन होगा। आप सबको आमंत्रण है पहले से ही और निश्चित तौर पे आपकी इस भावना का, सुझाव का हम कद्र करते हैं, मान रखते हैं और हमारा सौभाग्य होगा कि मेवाड़ की इस गौरवमयी धरती पर आकर अगर हम एक बड़ा समारोह करें और यहाँ के गौरव को सम्मानित करें। थैंक यू सो मच सर। मेवाड़ गौरव सम्मान समारोह के आयोजन की सभी अतिथियों ने खुले दिल से तारीफ की, साथ ही कहा कि इस तरह के सम्मान से समाज के सभी वर्गों में सेवा की भावना और भी आगे बढ़ती है, जो भविष्य के लिए बेहतरीन है।
समारोह की कुछ और खास झलकियां हम आपके साथ साझा करेंगे। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नीली झीलों के शहर उदयपुर में मेवाड़ गौरव सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली उन सभी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने कर्म बल के आधार पर समय का पासा पलटने का जीवट दिखाया। साथ ही वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में अपनी जान की परवाह ना करते हुए मानवता की सेवा की। वीर प्रसूता मेवाड़ भूमि राजपूती प्रतिष्ठा मर्यादा और गौरव का प्रतीक है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी अंचल का यह हिस्सा अधिकांशतः अरावली की अभेद्य पर्वत श्रृंखला से परिवेष्टित है। अरावली के ये नैसर्गिक परकोटे सामरिक दृष्टिकोण के लिहाज से अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। मेवाड़ अपनी समृद्धि परंपरा अभूतपूर्व शौर्य और अनूठी कलात्मक अनुदानों के कारण संसार के परिदृश्य से सदैव ही देदीप्यमान है। लेक सिटी उदयपुर में आयोजित मेवाड़ सम्मान समारोह में हर उस प्रतिभा का सम्मान किया गया जो मानवता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर नजर आई। सम्मानित होने वाले व्यक्तियों की बात करें तो लोक कलाविद डॉक्टर महेंद्र भड़ावत, विश्व रिकॉर्डधारी स्वर्ण शिल्पी इकबाल सक्का, पर्यावरण संरक्षण कर्ता कपिल पालीवाल, मशहूर चिकित्सक डॉक्टर जे के छापरवाल, राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर एस एस सारंग देवोत, सामाजिक कार्यकर्ता मांगीलाल सुथार, रक्त युवा वाहिनी के रोहित जोशी, झील हितैषी तेज शंकर पालीवाल, लेक सिटी किडनी रिलीफ सोसाइटी के जितेंद्र सिंह राठौर, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर जगदीश विश्नोई, डॉक्टर हनुमंत सिंह राठौर, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमन अग्रवाल, जेईटी 2021 के टॉपर रॉयल कोचिंग संस्थान के छात्र जसवंत सुमन, युवा समाज सेवी मधुरम खत्री, चिकित्सक डॉक्टर शीतल मीणा, सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर जोशी, समिधा संस्थान के संस्थापक चंद्रगुप्त सिंह चौहान, एडीएम सिटी अशोक कुमार, पुलिस उपाधीक्षक राजीव जोशी, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अरुण गुप्ता और डॉक्टर कपिल भार्गव, पुलिस कर्मी और एसपी के पीए शैलेंद्र सिंह। मेवाड़ की वीर प्रसूता धरती में रावल बप्पा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप और ऐसे ही अनेक शूरवीर, यशस्वी कर्मठ राष्ट्रभक्त और स्वतंत्रता प्रेमी विभूतियों ने जन्म लेकर न केवल मेवाड़ वरन संपूर्ण भारत को गौरवान्वित किया है। और जिस तरीके से मेवाड़ का जो गौरव है, जो इतिहास तो है ही पर वर्तमान भी मेवाड़ की गौरव को बढ़ा रहा है। इस मौके पर उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने भी समारोह को संबोधित किया और फर्स्ट इंडिया के आयोजन को जमकर सराहा। टैलेंट को देखने का काम फर्स्ट इंडिया ने किया है, तो जगदीश चंद्रा जी आपको और आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ जो इस तरह के बालिकाओं को आप आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और विशेष करके मैं जो 2003 से 8 तक विधायक रहा सलूम्बर से, तो मैंने विधायक के रूप में और उस समय माननीय वसुंधरा जी की सरकार थी, उस समय मैंने आपको ब्यूरोक्रेट के रूप में काम करते हुए मैंने देखा है। तो मैं कह सकता हूँ कि आपका काम करने का अंदाज, आपका काम करने की ताकत और लोगों को और जनता और विशेष करके सामाजिक सरोकार का जो आपने आज जो दिखाया है, ये काम आप कर रहे हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि 12:01 पे फर्स्ट इंडिया की न्यूज़ सबसे पहले मोबाइल पे आती है, ये भी काम आप कर रहे हैं। पहले केवल राजस्थान की आती थी, अब लखनऊ भी जुड़ गया है। तो निश्चित रूप से आप एक एक करके सभी स्टेट को इस काम, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से जोड़ रहे हैं। मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जगदीश चंद्रा जी ने, इस फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने आपको मेवाड़ गौरव से सम्मानित किया है। आप सभी का मैं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना करता हूँ और ऐसा चैनल से भी निवेदन करूँगा कि हमारा ये ट्राइबल बेल्ट है और इस ट्राइबल बेल्ट में जो सत्यता है, जो यथार्थ है और जो बात नेशनल और इंटरनेशनल तक जानी चाहिए, वो बात आपकी चैनल के माध्यम से जाए, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोगों का, इस क्षेत्र के विकास का
आपके चैनल के माध्यम से ऊपर तक बात जाने का जो एक चैनल है, जो एक कड़ी है, उस कड़ी के रूप में आप काम करेंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ परिवार की को अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं कि बहुत सुंदर प्रोग्राम आप लोगों ने रखा। सेवा कई लोगों ने की लेकिन उसको अप्रिशिएट करने का काम आपने एक शुरुआत की है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जैसी बॉस के बारे में कई लोगों ने बहुत सारी बातें कही, बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ पूरा बेड़ा चला जाता है। वो विश्वास, वो समर्पण, चूंकि आप ब्यूरोक्रेट थे उस समय तो मैं आपके काम से परिचित नहीं था, लेकिन आपने किसी एक चैनल से दूसरे चैनल में गए और पूरी की पूरी टीम किसी के साथ चली जाए, वो पहली बार किसी शख्स के साथ देखा है। मैं जिन लोगों को सम्मानित किया है इस कोविड फर्स्ट और सेकंड वेव में, जिन लोगों ने बहुत अच्छे से सेवा की है, दिल से सेवा की है, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और सारे सोशल्स, सारे एनजीओज, सामाजिक संगठन, सब लोगों ने जितना हो सकता है उतना इस कोविड के अंदर उन सब लोगों ने दिल खोल के मदद की है। कार्यक्रम में सभी प्रतिभाओं का गणमान्य अतिथियों ने शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया, तो प्रतिभाओं ने भी सेवा के पुण्य को लगातार जारी रखने का वादा किया। रवि कुमार शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, उदयपुर। सलाम किया। इस मौके पर उल्लेखनीय काम करने वाली प्रतिभाओं को मेवाड़ गौरव सम्मान से नवाजा गया, तो भामाशाहों की भूमि के दानवीरों को भी फर्स्ट इंडिया ने सम्मानित किया। झीलों के शहर उदयपुर की 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू में फर्स्ट इंडिया की ओर से मेवाड़ गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मेवाड़ की प्रतिभाओं के साथ ही भामाशाहों को भी सम्मान से नवाजा गया। एसआर ग्रुप ऑफ कंपनीज टाइगर 4 के एमडी हिम्मत सिंह झाला, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के चेयरमैन राहुल अग्रवाल, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की प्रतिनिधि हरलीन गंभीर, मिराज समूह के प्रतिनिधि नितिन आमेटा, खेमराज कटारा मेमोरियल ट्रस्ट की सुखबीर कटारा, टी तंत्रम के डॉक्टर दिनेश खत्री, राज मिनरल क्रॉसिंग प्लांट के महेश मुंद्रा, पार्षद छोगालाल धोई, सारस पाइप की मंजू सच्चान, आनंदीलाल शर्मा, प्रमिला देवी परमात सेवा संस्थान के पंकज शर्मा। कार्यक्रम में शिरकत कर रहे ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर और पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि आदिवासी बाहुल्य मेवाड़ अंचल अनूठे प्रतिभाओं की प्रसूता भूमि रही है। यहाँ के कालजयी महापुरुषों ने पूरी दुनिया को देशभक्ति और स्वाभिमानी होने का संदेश दिया है। ऐसे में फर्स्ट इंडिया न्यूज की पहल हर मायने में महत्वपूर्ण होती जाती है। वहीं ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विवेक कटारा ने सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित होने पर बधाई दी। वहीं उदयपुर ग्रामीण से विधायक फूल सिंह मीणा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। फर्स्ट इंडिया ने उन ऐसे लोगों को हाथ पकड़ के मंच पे लाके सबके सामने सम्मानित किया है जो नितांत आवश्यक भी था, और बहुत ही कठिन समय में जिन्होंने मेहनत करके अपने मानवीयता का उदाहरण दिया और समाज के सामने एक हिम्मत बनाने का एक दूसरे का काम किया, ऐसे काम हम निश्चित तौर पे करते रहे। चैनल की बात कहें, मीडिया की बात करें, जैसा आज के युग में चल रहा है, वातावरण है, प्रचार है, प्रसार है, उससे हटके इस तरह के मानव कल्याण के काम करने वालों को प्रोत्साहित करना या समाज के को प्रेरणा देने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करना निश्चित तौर पे एक अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा करने का काम है। मैं फर्स्ट इंडिया टीवी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो पहल है, जो आपका आज का इनिशिएटिव है कि इस मेवाड़ की धरा पे जिसने बहुत अच्छे काम किए कोविड के समय में, अच्छे काम किए
उनको आज हमने जो सम्मानित किया है वाकई में काबिल तारीफ है। इस चैनल को बोलना चाहता हूँ कि आपका जो चैनल है वाकई में बहुत काबिल तारीफ है। अभी जैसे अर्जुन जी बोल रहे थे कि सबसे पहली खबर कभी आती है पूरे राजस्थान में तो सबसे पहले फर्स्ट इंडिया टीवी की आती है। बहुत खुशी की बात है कि आप सुभाष चंद्र जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप इसी तरह से आपका सामाजिक सरोकार में भी बहुत आप अच्छा कर रहे हैं और समय समय पर जो असली खबर है वो प्रदेशवासियों को देशवासियों को आप पहुँचा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस फर्स्ट इंडिया के जो वास्तव में संचालन करता, जिन्होंने ये कार्यक्रम को मतलब चुनकर हमारे मेवाड़ में जो काम कर रहे हैं उनका हौसला बढ़ाने का जो आपने काम किया उसके लिए जोरदार हमारे सीएमडी साहब के लिए जोरदार तालियों से सम्मान करें, क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में अच्छा काम किया या किसी भी कार्यक्रम को जिन्होंने अच्छा काम करके दिया उनका चुनना एक बहुत बड़ा उदयपुर के अंदर कठिन काम था, मगर रवि जी और इनकी टीम ने यह काम करके यहाँ पर उनका गौरव बढ़ाया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने इन प्रतिभावान सभी जो आज सम्मान हुए हैं उनका आपने अच्छा काम करके उनको और दूसरों को भी प्रेरणा दी। वास्तव में फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल ने यहाँ पर यह कार्यक्रम रख के वास्तव में यह दर्पण का काम करते हैं न्यूज चैनल वाले, राजनीति में हो चाहे किसी भी विभाग में कोई भी काम हो, और आप अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बताकर हमारी भी कोई कमी है तो उसको भी आप उजागर करके सुधारने का मौका देते हैं और अच्छा काम करता है उसको प्रोत्साहन करने का आपने जो काम किया है। इस फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। कार्यक्रम में हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रेडिसन ब्लू और इवेंट को आयोजित करने वाले यूएनवी के नितिन शर्मा और सिल्वर क्राफ्ट के अरुण शर्मा को भी अतिथियों ने शानदार आयोजन के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। पूरे आयोजन में खास बात ये रही कि जिस तरह चैनल हेड जगदीश चंद्र ने मेवाड़ में हर साल सम्मान समारोह का ऐलान किया, उसे मौजूद हर अतिथि ने सराहा और कहा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज इसी तरह समाचारों की दुनिया के साथ सामाजिक सरोकारों में भी नंबर वन बना रहे। रवि कुमार शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, उदयपुर। अंत में सिर्फ इतना कहेंगे कि मुश्किल दौर में जिंदगी के छोर पर जो खुद को भूल जन सेवा में लगे उनको फर्स्ट इंडिया बार बार सलाम करें।